बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वेलकम बैक टू द लेटेस्ट एपिसोड बाय सुखन, जहाँ पे हम लोग जो हैं वो लिटरेरी सीरीज़ अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम आपने देखा है कि हम लोगों ने मुख्तलिफ शोबा जो लिटरेरी फील्ड है उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इंटरव्यू किए हैं। आज हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ एक और बहुत ही मौजूद शख्सियत मौजूद हैं, सलमान साहब। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सलमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लीडिंग जो हैं वो ट्रैवल लॉग राइटर हैं। इनके मज़ीद हम बात करेंगे कि इनको शौक़ कैसे पैदा हुआ और अब तक इन्होंने क्या क्या काम किया है। बट इसके अलावा रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के ये फेलो हैं, और इसके अलावा इनके अब तक 9 किताबें शाया हो चुकी हैं। सर थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सबसे पहले तो सर, शौक़ आपको कब, अगर मैं देखूँ, कब पैदा हुआ? पहली दफ़ा जो एक मोमेंट होते यूरेका मोमेंट कि नहीं मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है। वो तो शायद बचपन से ही था घूमने फिरने का, और वो इस तरह के जब अभी मैं ख़ुद मुख्तार नहीं था, तो हम उस ज़माने में ज्योग्राफिया अच्छा पढ़ाया जाता था स्कूलों में 1950s और 60s के अंदर। एटलसेस होती थी, एक मॉडर्न स्कूल एटलस के नाम से होती थी, वो मैं मुझे बहुत पसंद थी कि मैं वो देखता रहता था, और उसमें मैं जगहें ढूंढता था कि, और सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया का भी देखने का शौक़ था लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो वो फिरने का वो कीड़ा तो था। फिर ये कि मैं फ़ौज में चला गया, खारिया में पोस्टेड था, 5 साल वहाँ गुजारे। तो उसमें ये था कि मैंने करीब करीब काफ़ी घूमना फिरना शुरू कर दिया। वो जब फ़ौज छोड़ के मैं कराची में जा के रहा, तो वहाँ ये फिरने का तो कीड़ा था ही, फिर वहाँ जा के वो मुझ पे आश्कारा हुआ कि मैं लिख सकता हूँ किसी के कहने पे, मुझे ख़ुद नहीं पता था। सर अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1983 में मैं पढ़ा था, प्रोफेसर या डॉक्टर तल्लत साहिबा थी जिन्होंने आपको कहा था कि आप लिख सकते हैं PTDC की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, तल्लत रहीम उस वक्त होती थी PTDC की, वो मैनेजर पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशंस। मैं किसी काम से गया हुआ था PTDC के दफ्तर, तो तलत के पास मैं नहीं, हम एक दूसरे को उस वक्त बिल्कुल नहीं जानते थे। मैं तलत ने कहा कि 2 मिनट आपको बैठना पड़ेगा, को वो बंदा आता है तो देगा। तो मैं उसे ऐसी दास्तानें सुनाने शुरू हो गया जो मैं घूमता फिरता था, कुछ चीज़ें मैंने देखी हुई थी। तो रनीकोट का किला है वहाँ, ज़िला अब तो जामशोरों में आ गया, पहले दादू होता था। मैंने तलत से कहा कि आप किसी को वहाँ पर भेजें, वो लिख के लाए। तो वो मेरी पूरी दास्तान सुन चुकी थी, मुझे कहती है नो यू राइट इट फॉर अस। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा मुझे नहीं लिखना आता भाई। तो कहने लगी कि नहीं, एक उसका फिक्रा मुझे आज तक नहीं भूला तलत का, कि यू राइट योर स्टोरी द वे यू टोल्ड इट टू मी। तो वो फिर लिख दिया, फिर वो छपना शुरू हो गया, फिर PIA के हम सफ़र में, और फोकस ऑन पाकिस्तान जो PTDC का मैगज़ीन था, इसमें यहाँ से शुरू हो गया। सर फिर उसके बाद आर्म फोर्सेस से कॉर्पोरेट सेक्टर से एक डेडिकेटेड राइटर का सफ़र आपका कैसे मुकम्मल होता है, कि किस पॉइंट पर आपने डिसाइड किया कि आप बैठ के दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू? देखिए 83 में मैंने लिखना शुरू किया, तो 86 तक तो ये था कि मैं सिर्फ हम सफ़र और PIA का जो इन फ्लाइट मैगज़ीन होता था। अब तो 5-6 हज़ार रुपये में तनख्वाह देते हैं, तब $500 मिला करते थे एक पीस के। जी, उस टाइम के $500 होते तो 5,000 ही रुपये थे, लेकिन आप जाके मोटरसाइकिल तो ख़रीद सकते थे, गाड़ी नहीं तो। तो वो उसमें लिखता रहा। फिर मुझे तलत, अभी तक तलत से बहुत दोस्ती है जी, जब भी मैं कराची जाता हूँ हम ज़रूर मिलते हैं। तलत ने मुझे कहा देखो ये तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुम्हें कोई नहीं जानेगा कि तुम कोई ट्रैवल राइटर हो, तुम्हें अखबार में लिखना चाहिए। तो डॉन ग्रुप का एक इवनिंगर होता था स्टार, उसमें मैंने जनवरी 1986 से लिखना शुरू किया। तो वो फिर फिर मैंने, अच्छा वो जब लिखना शुरू किया 86 में, तो फिर मुझे कुछ ना, वो जैसे दिमाग नू चढ़ जाती है ना, तो मेरे चढ़ गई कि हैं मैं तो बड़ा राइटर बन गया हूँ। शुरू शुरू में हर नौजवान इसी तरह बेवकूफ़ होता है, और कुछ लोग बुढ़ापे तक बेवकूफ़ रहते हैं, वो और बात है। तो वो
میں نے کہا کہ میں تو نوکری چھوڑ دیتا ہوں. بیوی کو آ کے میں نے ایک دن دفتر سے کہا یار میں نوکری چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور میں رائٹر بننا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر جو تم نے یہ کرنا ہے تو یہی کرو. اور ایک دن پھر نومبر میں میں استعفیٰ دے کے آ گیا. تب سے 86 نومبر کی بات ہے, تب سے فل ٹائم یہی کر رہا ہوں. سر آپ کی فرسٹ بک آپ نے کب پبلش کی تھی؟ وہ پہلی کتاب کا ٹائٹل ہے رائڈرز آن دا ونڈ. وہ میرے پرانے آرٹیکلز ہیں جو کہ 83 سے لے کے 90 تک ہیں. اور اس کی داستان بڑی دلچسپ ہے کہ وہ میں لاہور واپس ہم لوگ شفٹ ہو چکے ہوئے تھے 1990 میں. میں سنگے میل میں کسی کام سے گیا تو وہاں نیاز صاحب جو تھے سنگے میل جنہوں نے اسٹیبلش کیا, نیاز صاحب سے ملاقات ہوئی. تو مجھے نیاز صاحب کا ایک بہت نا نان شیلنٹ اور ایزی گوئنگ سٹائل تھا, بڑے بہترین انسان تھے. کہتے ہیں لیا اپنا مسودہ دے. تو میں نے کہا کہ جی میرے کو تو کوئی مسودہ نہیں ہے. نہ تو انے سالوں تو کی کر رہا سی, وہ کتنے گا کام؟ میں کہا جی وہ فائل چ لگا ہوا. لیا فائل دے من. تو کہندے تیری کتاب چھاپ دینے ہیں. تو وہ انہوں نے کسی کو دی. وہ اس وقت میں تو ٹائپ رائٹر پہ ہی ابھی لکھ رہا تھا, 91 سے میں کمپیوٹر پہ آیا ہوں تو 90 میں تو ٹائپ رائٹر پہ ہی تھا میں. تو وہ انہوں نے ایک کمپوزنگ کے لیے ایک بندے کو دی. اس نے وہ غلطیاں بے شمار کر کے مدر ٹومب کو بام بنا دیا اس نے. یہ تو بڑی امیزنگ قسم کی غلطی ہے, یہ ٹائپ ایرر بھی نہیں ہے, ٹیوب کو بام بنا دیا اس نے. تو شکر ہے ابھی وہ کام شروع نہیں ہوا تھا جو کہ آج کل ہو رہا ہے بمباری کا. تو خیر وہ انہوں نے رائڈرز آن دا ونڈ چھاپ دی 1990 میں. بس پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. سر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹریول رائٹر کی, تو ٹریول رائٹر صرف یہ نہیں ہے وہاں پہ جا کے ان کی فیکٹ بتا رہا ہوتا ہے. میرا ایک اس پہ خیال ہے کہ وہ وہاں کا اسکالر ہوتا ہے اسے آ کے, کہ وہ آپ کو ہسٹری بتاتا ہے, وہ آرکیولوجسٹ کا رول بھی پلے کر رہا ہے, وہ ایون بایولوجسٹ اف آئی ایم رانگ وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ ٹریول رائٹر کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ایک وہاں پہ آپ گئے ہیں تو آپ اپنے آپ کی کیا سمجھتے ہیں, میری کیا ذمہ داری ہے, میں نے کیا کیا ہائی لائٹ کرنا ہے؟ ٹریول رائٹر دیکھیے بنیادی طور پہ تو ایک جغرافیہ دان یا اور ایک تاریخ دان ہے, کیونکہ جب وہ جا رہا ہے تو یہ دو چیزیں تو اس کو نظر میں رکھنی ہی ہوں گی. پھر اس کے بعد اینتھروپولوجسٹ بھی ہونے کی ضرورت ہے تھوڑا بہت, ٹھیک ہے جی, کچھ تھوڑا بہت جیولوجسٹ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو چٹانوں کی پہچان تو ہو کہ یہ شسٹ ہے, یہ میں گرینائٹ دیکھ رہا ہوں, میں کیا دیکھ رہا ہوں. کوئی انوائرمنٹ کی آپ کو خبر ہونی چاہیے, پرندوں کا آپ کو کچھ پتہ ہونا چاہیے, جانوروں کا. تو اور سوشیولوجسٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو مل رہے ہیں. تو وہ چار پانچ چیزیں ہیں نا جی, اینتھروپولوجسٹ, جیولوجسٹ, جیوگرافر, ہسٹورین, سوشیولوجسٹ, یہ چیزیں. اور آخر میں وہ ایک آٹو بایوگراف اپنا آٹو بایوگرافر بھی ہوتا ہے اپنا ہی. لیکن ہمارے یہاں وہ یہ اردو میں خاص طور پہ, انگریزی میں تو کوئی لکھ نہیں رہا, اردو میں یہ رواج ہی نہیں ہے. اردو میں وہ سفر نامے کو انہوں نے بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور وہ ایک قسم کا افسانہ بن کے رہ گیا جس میں خود نمائی ہے صرف, نہ آپ کو کسی جگہ کا پتہ چلتا ہے, اور اگر کچھ پتہ چل رہا ہے تو وہ بالکل الٹب اور جھوٹ الٹ پلٹ ہے, اصل بات آپ کو نہیں پتہ چلتی. تو ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے یہ ٹریول رائٹنگ. اسپیسیفکلی بات کریں کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ انگلش میں تو کام نہیں ہوا ہوا یا آج کل شاید نہیں ہو رہا, اس پہ بھی تھوڑا کامنٹ کیجیے گا. اور اردو میں ایک تو ہماری وہ جانر ہے جس میں افسانہ ہے, جس میں وہ جاتے ہیں تو وہ ہر جگہ کے وہ خود ہیرو بن جاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ نے آپ کی نظر سے کوئی اور کام گزرا ہے جو اچھا ہوا ہوا ہے یا جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ نہیں, اگر کسی نے وہ ہیرو خود نہیں بنا اور اس پہ لڑکیاں فریفتہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے. وہ جا کے بس یہ کہ جی دیوسائی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گرم ہوا ہے, میٹھی مچھلی ہے, پھیکی چائے ہے, وغیرہ اس قسم کی باتیں ہی کرتا ہے. تو وہ کسی کے پاس وہ بات نہیں ہے, پڑھا کسی نے نہیں ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے چونکہ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ علم جو ہے نا وہ صرف انگریزی میں ہے یا یورپین زبانوں میں ہے. آپ ہیروڈوٹس کی جو ہسٹریز ہیں اس کی آپ نے اردو ٹرانسلیشن آج تک نہیں سنی ہوگی. تو
अगर आप हेरोडोटस की वो सोना निकालने वाले कीड़ियों के बारे में, चूंटियों के बारे में आपने लिखना है कहीं, तो आपने पढ़ा तो हो ना हेरोडोटस, तो वो उर्दू में अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप केटू या आप शख्सगाम नदी में जा रहे हैं, तो आपने शिप्टन की अगर 1937 की एक्सपेडिशन नहीं पढ़ी, तो फिर आप बस ऐसे सैरी करने जा रहे हैं। उर्दू में कोई काम नहीं है, और अंग्रेज़ी में ये अब आर्टिकल लोग लिखते हैं, लेकिन मैं कई बार पढ़ता हूँ कि वो बिल्कुल अलर्ट अब होते हैं, वो उल्टा सीधा, हत्ता कि नाम तक लोगों को, जगहों के नाम भी गलत कर जाते हैं। क्या सर हम ये कह सकते हैं कि यही एक वजह है जिसकी वजह से लोगों में ज़्यादा शौक नहीं है ट्रैवलॉग पढ़ने का, या उनके पास कंटेंट नहीं है, या उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं है? आप उसको किस तरह देखते हैं कि आम तौर पे ये नहीं पढ़े जाते, शौक वाले लोग पढ़ते हैं या जो जा रहे होते हैं उन एरियाज में? हाँ, अगर मैं नाम लिए बगैर बात करूँ, जो उर्दू के सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं, वापस आके वो उस लिखारी को कोस ही रहे होते हैं कि वो बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा होता है, तो उससे कुछ लोग छूट गए हैं पढ़ने। लेकिन मैंने एक और भी क्लास देखी है कि जो घर बैठती है सिर्फ, और वो सफ़रनामे पढ़ रही है, और वो उस राइटर को बहुत बड़ा सफ़रनामा निगार मानते हैं। और तो अच्छा, अब नतीजा ये हुआ है कि 25-30 किताबें लिख दी, जहाँ जाके 2 घंटे गुजारे तो 700 सफ़े की एक किताब आ गई। तो वो लोग वो अफसाने पढ़ने के इतने आदि हो चुके हैं कि मुझे शक है कि अब वो सही का सफ़रनामा पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, कि आया कि यार गल्ला करी जाता है, ऐसी कोई बात होगी। बेसिकली उनको शायद वो फीड ही हमने इस तरह किया है कि उनको आदत ही नहीं इस साइड पे जो असल सफ़रनामा पढ़ने की। बिल्कुल सर, आप किस तरह देखते हैं कि, क्योंकि मैं आपका एक और जगह भी पढ़ा था, आपने कहा कि एक तो हमारा उर्दू में कॉन्टेंट नहीं है, और उर्दू की ऑडियंस बहरहाल इस मुल्क में ज़्यादा है इंग्लिश से, तो एक तो हमें ज़रूरत है कि वो ट्रांसलेट किए जाएँ या उर्दू में मज़ीद कॉन्टेंट बने। इसके अलावा सर, अगर हमने इस चीज़ को मज़ीद परवान चढ़ाना है, मज़ीद उसकी तरवीज होनी चाहिए, तो उसके लिए आप किस तरह देखते हैं ट्रैवल बुक वाली इंडस्ट्री, या बुक्स को हम आगे लोगों तक शौक पैदा कर सकें, उनको अवेयरनेस दे सकें, उनको एजुकेट कर सकें? एक तो जो है ना जी, टेलीविज़न ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से टेलीविज़न पे सिर्फ वो 2 सियासतदानों को या 5-4 को बिठा के लड़ाई झगड़ा कराना, वही अब एंटरटेनमेंट के ज़िम्रे में आ गया। अगर टीवी के ऊपर कोई इस तरह का हो जिसमें कि वाकई कंटेंट के साथ बात हो रही हो, ये नहीं है कि जी मैं चौकंडी की कब्रों पे पहुंच गया हूं, ये पता नहीं क्या है, चलो आओ आगे चलें, ये मैं देख चुका हूं। तो ये अगर टेलीविज़न से ये आम किया जाए तो ये हो सकता है। आपको मैं एक दिलचस्पी की बात बताऊं कि जो मेरी एक किताब है दी एप्रिकॉट रोड टू यारकंद, उसको उर्दू में मैंने ख़ुद ट्रांसलेट किया है शारा ख़ुबानी के मुसाफिर के नाम से, संगे मील नहीं छापी है जी। मैंने आज तक नहीं पूछा कि कितनी बिकी है, क्योंकि मुझे शक है कि जिस किसी ने भी ख़रीदी होगी उसने कहा होगा यार ये क्या बकवास है, कोई इसमें तो कोई औरत आके फरीफ्ता ही नहीं हो रही, राइटर के ऊपर है तो सीधा सीधा सफ़र ही करी जा रहा है, तो गल्लां जोग्राफी दियाँ पता नहीं की दस दस आने की है, ये अब रवैया हो गया। मार्च 2017 में लगाया, अभी सीज़न में इसकी जो मूलियाँ ठंडी होती है अच्छा, उसका हमने सब्ज़ी खाई थी, मेरे पास एक रेसिपी है इसके पत्तों के सालन की। अच्छा, आपको पता है इसको द वंडर ट्री कहते हैं? हाँ, द ट्री दैट नेवर डाइज। ये सोटी तोड़ के ना जी ऐसे फेंक दें कहीं खाद के ऊपर, मरेगी नहीं, ये फूट पड़ेगा, दरख्त बन जाएगा वहाँ से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। और इसका इस ये जो पत्ते हैं, अगर आप कच्चा पत्ता खाते हैं, वेट फॉर वेट 8 गुना ज़्यादा दूध से इसमें कैल्शियम है, नींबू से नहीं 4 गुना ज़्यादा दूध से कैल्शियम है, 8 गुना ज़्यादा विटामिन सी है। हम टैबलेट्स खा खा के मर रहे हैं, हम टैबलेट्स खा के मर रहे हैं भैया, आप ये खाएं। अच्छा, ये अब किसी को नहीं पता,
वो मैंने यहाँ पे 8-9 लगाए थे अमलतास, ये सुहांजना इस पार्क में, एक रह गया सिर्फ, वो सब लोगों ने काट कूट दिए, फाड़ दिए, तोड़ दिए, पता नहीं क्या करते हैं। अब मेरे पास वो माली उस दिन आया था कि जी और सुहांजने के बीज दो, तो मैंने उसे दिए, वो पता नहीं फूटे हैं कि नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और जो बीमारी है ना, एक दरख्त का पता चल गया बस उसके पीछे पड़े पड़े सारा वही कर, भाई मोनोकल्चर नहीं करते। मेरे इस पार्क में आप जाके देखें, गुल्लड़ है, साथ में श्री है, उस तरफ पिलकन है, फिर बरना है, पीपल है, नीम है, अमलतास है, वो भी 8-9 वो लगाए थे, क्या कहते हैं, गुले नश्तर, वो एक बेचारा बच गया जिसने फूल भी दिए थे। अच्छा, ये सारे दरख्त लगाने चाहिए। सर इस पे आप थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, बट अब आपने खुद ट्रैवल भी किया, ट्रैवल राइटर भी आप हैं, आप एक जेन्युइन, आपको शौक भी है इसका करने का, सर आपका ख्याल है कि इससे आपको ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने हैं इन्वायरमेंट के हवाले से, कंजर्वेशन के हवाले से, आपके आइडियाज़ पहले थे परवान चढ़े, या आपका वो एक नई कंजर्वेशन वाली साइड पर नया इंट्रोडक्शन आपका हुआ ट्रैवल कर करके, तो डू यू थिंक यू आर अ मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ आफ्टर ट्रैवलिंग? डेफिनेटली, क्योंकि वो एक ये कुदरती अमर है कि अगर आप सफ़र करते हैं तो आप अपने इर्द गिर्द फितरत को भी देखते हैं, तो आप जुड़ते जाते हैं। यानी मुझे आज से 40 साल पहले इतने दरख्तों के नाम नहीं पता थे जितने इस सिलसिले में से गुज़रने के बाद पता चले। तो मैं ये समझता हूँ कि जी वो मेरी एक बड़ी तालीम हुई और मेरी ग्रूमिंग हुई ये जंगलों में फिर फिर के, और मैं जुड़ गया माहौल के साथ, धरती के साथ। सर उस पर अब आपने अपने लाइफस्टाइल में कोई ऐसे चेंजेस लाए हुए हैं जिससे आप एनर्जी का, मतलब सॉरी एनर्जी फिर कह रहा हूँ, आप एनवायरनमेंट को आप अपनी तरफ से कहते हैं यू आर गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट, यू आर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कोई डेली लाइफ में आप ऐसी एक्टिविटी हाईलाइट करना चाहते हैं स्पेशली? ये मेरे घर के नज़दीक ये 2 एकड़ का एक पार्क है, सोसाइटी को मैंने एक बार कहा कि भाईजान जब ये आपने पौधे लगवाने हो तो प्लीज़ मुझे आप कहिएगा, कोई ख़र्चा नहीं होगा, सिर्फ माली दे देना, मैं लगा दूँगा। कि अच्छा जी ठीक है आप लगा दें। मैं जाके सरकारी नर्सरी से गुल्लड़, पीपल, नीम, श्री, सुहांजना, ये वो के ना, कोई 150-200 पौधे लाया, मैंने ला के लगा दिए। थोड़े दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मेजॉरिटी उनमें से निकाल कर फाइकस लगा दिया गया है, वो बेफैज़ दरख्त जिस पे कोई परिंदा नहीं आता। मैं हैरान हूँ कि ये कौम कैसी है। अब वो पार्क से बाहर एक वो उनके खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनी है तो उसके किनारे फाइकस लगा दिया। भाई आप देसी दरख्त क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा वो खैर, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो ड्वार्फ पाम और कोनोकार्पस लगा दिया एक इडियट ने आके। मैं गया, मैंने जाके वो सारे निकाल दिए, चौकीदार आके मेरे घर के बाहर बंदूकें लेके खड़े हो गए कि दरख्त हमें वापस दो। मैंने कहा नहीं देने, तो लड़ाई मैंने कहा दफ़ा हो जाओ इधर से, जाओ प्रेसिडेंट से कहो कि आके मुझसे दरख्त ले। सुबह जाके मैं शबखून मारा करता था ना, अंधेरे में जाके सारे दरख्त निकाल के ले आया, वो कुल्फी ट्री जो अशोका जिसे कहते हैं वो, और फाइकस और कोनोकार्पस, वो कोई मैंने निकाले। फिर जनाब मैंने फिर लगाए 2 साल पहले, फिर क्या जाके देखता हूँ कि कोनोकार्पस की भरमार है। मैंने कहा यार ये किसने लगा दिए? कि जी वो मियाँ साहब एक हैं गफ़ार साहब, उन्होंने लगाए। मैं उसके घर गया, वो कोई शरीफ आदमी था, बात उसे मेरी कुछ समझ आई या नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो फिर ना बाद में मेरे घर देसी दरख्त बहुत सारे छोड़ गया, कोई 20 एक, कि जी ऐ लवा दो। तो मैंने कहा वो अपने हाथ से निकालो कोनोकार्पस, कि नहीं वो मैं नहीं करने। तो अभी रिसेंटली कोई 1 हफ्ता हुआ है, यानी मैं कोई यहाँ से 150-200 कोनोकार्पस और फाइकस निकाल चुका हूँ इस पार्क में से, और इस वक्त जितने भी देसी दरख्त हैं ना वो मेरे लगाए हुए हैं। अब वो मुझे पता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन दरख्तों के बाप बेशुमार हो जाएंगे कि जी असी लाए सी। तो यहाँ तो अब मॉलसरी लगाई जी, वो बेंचेस हैं, 4 बेंच पड़े हैं उनके दोनों एक एक साइड पे, एक एक मॉलसरी, 8 पौधे मॉलसरी के लगाए। एक दिन जाके देखता हूँ तो वो निकाल के उसी जगह फाइकस ठोके हुए हैं। सर ये क्या ऑब्सेशन है हमारी कुछ दरख्तों से? कुछ हमें कभी खजूर के दरख्त नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे मोटरवे पे, अब फैसलाबाद जाएँ, तो ये हमारी क्या ऑब्सेशन है? लैक ऑफ नॉलेज है
लैक ऑफ द विल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ढिटाई है हमारी, क्या क्या वजह है हमारी? एक तो हमें हमारी कोई शनाख्त नहीं है, हम कभी अल पाकिस्तानी बन जाते हैं, गाड़ियों के पीछे हमारी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल पाकिस्तान है, शनाख्त कोई नहीं है हमारी, और ना हमें कोई फ़ख्र है अपनी इस धरती पे या देश पे या किसी भी चीज़ पे। दूसरा फिर जिसको पूछो कि नहीं जी साढ़े अबाउ दाज तो अरब तो आए सी मोहम्मद बिन कासिम की फौज, तो सारे तो बदबख्त अरब से आए हुए हैं, इधर का तो कोई रहने वाला ही नहीं है, कोई बुखारी से आया हुआ है, बुखारा से आया हुआ है, कोई मशहद से आया हुआ है, कोई शिराज से आया हुआ है, इधर का तो रहने वाला ही कोई नहीं है, तो धरती से कैसे किसी को वो, चूँकि हमने झूठ इतना बोल लिया अपने बारे में, वो हमारी शनाख्त की वो जो सत्यानाश हुआ है उसका कोई अंत नहीं है, वो लिमिटलेस है, तो इसलिए हमें अच्छा। फिर ये एक एहसास कमतरी भी है कि ये तो देसी देसी वो वलैती लगाओ, हमने हमारे यहाँ एक पीपल था मैंने लगाया था, वो बहुत बड़ा हो गया, फिर वो काटना इसलिए पड़ा कि उसकी दीवार ने हमसायों तक की उसकी जड़ ने हमसायों तक की दीवार गिरा दी, तो वो बड़े दुख से हमने काट दिया, और एक ताली भी थी उसने हमारी दीवार गिरा दी, और बयक वक्त हुआ ये काम दो नवंबर 2016 में। तो एक दोस्त के भाई को पता, उसने जाके बताया अपने छोटे भाई को कि वो सलमान ने अपने घर में पीपल लगाए हुए हैं, पीपल और अमलतास लगाया हुआ है, कहता है ये कैसे पेंडू दरख्त हैं। अगले दिन वो हमारे दोस्त ने हमें बताया कि पेंडू दरख्त हैं, सुहांजना हिंदू दरख्त है, हर दरख्त को तो मज़हब भी दे दिया। और एहसास कमतरी इस कदर शदीद एहसास कमतरी है कि देसी दरख्त नहीं लगाना। सर क्या ये एंगल हमारे ट्रैवल इसमें भी आता है कि हम लोग फौरी तौर पर चाहते हैं जी मैं टर्की जा रहा हूँ, मैं मलेशिया जा रहा हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, पाकिस्तान में हमने जाना है तो वो चार पांच स्पॉट्स हैं इजी स्पॉट्स जहाँ पे आप जाके ठहर के वापस आ सकते हैं, क्या आपके ख्याल में एहसास कमतरी उस तरफ भी आता है कि हमने अंदर ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान में क्या रखा है, हमें तो बाहर जाके तुर्की की इमारतें देखनी है। ये तो है एहसास कमतरी बिल्कुल वहाँ पर भी आपका सामने आता है, और फिर जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी सफ़र तो गर्मी से निकलने के लिए करना है ना, कागान चले जाना है या वो गिलगित लोग सोच के जाते हैं कि बड़ा ठंडा है, वहाँ तो 48 डिग्री टेम्परेचर मैंने खुद देखा हुआ है तो वहाँ फिर नहीं होगा तो ज़रा आगे हुंजा चले जाएंगे, वो जो कदरे ठंडी जगह है। एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रैवल या टूरिज्म भी जिसको कहते हैं उसका शौक़ ऐसे नहीं है कि हम कुछ देखने जा रहे हैं और यार गर्मी तो जान छुड़ाओ वाली बात है, और आजकल लेटेस्ट सर आगे फोटोग्राफी करने जा रहे हैं। हाँ अब हर कोई तो कैमरा लेके वो फोटोग्राफर बन गया, अब कैमरे की भी जरूरत नहीं है, अब तो सेलफोन से। सर आपने बाहर भी ट्रैवल किया है तो आप बाहर के जो देखते हैं वहाँ पे जो ट्रैवल राइटिंग हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या है? एक तो आई एम श्योर पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर वहाँ पे काम हो रहा है और वहाँ बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे उनकी देखते हैं या वो सोसाइटी का इम्पैक्ट उनकी ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर आ रहा है या दोनों चल रहे हैं काम? दोनों बराबर चल रहे हैं। और मैंने कई बार देखा कि जैसे ये इनसाइट गाइड्स एक इदारा है बरतानिया में है, वो गाइड बुक्स छापते हैं, मैंने भी 2 साल की गाइड बुक्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, तो मैं एक बार जर्मनी में था, काफ़ी साल पुरानी बात है 97 की, तो वहाँ मैंने देखा कि एक अमरीकन घूम रहा है रोटनबर्ग में, वो एक 12वीं-13वीं सदी का शहर है, उन्होंने उसी तरह मेंटेन किया हुआ है, वो सड़कें भी उसकी कॉबल्ड हैं, वो ये तारकोल वाली सड़कें, और वो जो ट्रैफिक साइंस हैं वो पेज से लगे हुए हैं, आप उतार लें तो वो और बग्गी चला दें उधर तो वो आप 13वीं सदी में पहुंच जाते हैं। तो वो वहाँ वो किताब इनसाइड गाइड लेके घूम रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार लोग पढ़ के आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत रेयर है कि कोई किसी ने मेरा कोई पढ़ा हो और वहाँ देखने गया हो या उसे जुस्तजू हुई हो। क्योंकि मोस्टली वही आप वाली बात ना कि या तो हम मौसम से भाग रहे हैं या हम तस्वीरें खींचने जा रहे हैं हम, और कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम वहाँ जाके उन एरियाज़ के जो वो एक उनकी सोशियोलॉजी है उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम वहाँ जाके अपने बस के हम आए हैं तो हम बस घूमने फिरने आए हैं, हम उनके लोकल ट्रेडिशंस की और प्राइवेसी की भी कई दफ़ा मेरे ख्याल रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं क्योंकि बहुत दोस्त हैं हमजा शमशाल वगैरह में, वो बहुत शिकायत करते हैं खासतौर पे हम पंजाबियों से
कहते हैं कि नहीं वो आके यहाँ हमसे पूछते हैं कि यहाँ वो सुपर मार्केट किधर है, तो जब हम कहते हैं यहाँ तो कोई नहीं है तो हमें हमारी तस्दीक करते हैं, मतलब हम पता नहीं इधर की सुपर मार्केट से निकल करके उधर क्यों घुस रहे हैं भाई, फिर ऐसे ही बड़े हो। ऐसे लास्ट में आप क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान में कंजर्वेशन के हवाले से जो काम होता आया है और जो हो रहा है उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज है हमारे सामने, अब एक कहते हैं जिन बन के खड़ा हुआ है और हमें नज़र आ रहा है कि वो BBC पे आर्टिकल आते हैं कि दुनिया को बचाने में वी आर 2 years too late। तो अगर आपने दुनिया को बचाना था तो आपको 2 साल पहले शुरू करना चाहिए था। दैट मीन्स कि हम तो एक बड़े मुख्तलिफ और बड़े मुश्किल टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो काम होता आया है क्या वो बेहतर था या पहले बेहतर हो रहा था या कभी भी नहीं हुआ, और अभी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? एक तो जी मैंने परसों चौथे एक ट्वीट किया, वी आर 20 years behind, 2 years नहीं, हमें 20 साल पहले जाग जाना चाहिए था, और सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया के लोगों को, अमरीका जैसे मुल्क जो कि क्योटो प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत नहीं जिन्होंने उन्हें दिया और जो अब भी रखना डाल के बैठे हुए हैं पेरिस वाले उसमें, तो ये अब उनका है। पाकिस्तान में तो किसी को होश ही नहीं है क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा। वो पाकिस्तान फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट जो है पेशावर का, वहाँ अब ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब अगर बदली हो गया, मैंने उनसे पूछा जी इकोलॉजी मास्टर्स जो करने आया उसको इकोलॉजी, तो एक जमान साहब थे पंजाबी थे वहाँ पे, वो तो मुझे कहते हैं इकोलॉजी दे 2 पीरियड पढ़ा दे ही देने, यानी मास्टर्स कर रहे हैं उसे इकोलॉजी दे 2 पीरियड पढ़ा दे ही देने, कार्रवाई पूरी कर रहे, कार्रवाई पूरी हो रही थी। अब पता नहीं कोई तब्दीली आई है कि नहीं, हमने कभी कोई काम नहीं किया जी इसके ऊपर, और जो अब हम कर भी रहे हैं ना वो हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो ये अब जो वज़ीर साहब हैं वो कोनो कार्पस के ऊपर उनका बहुत ज़ोर है और यूकलिप्टस पे, आप उन्हें बताते रहें कि जनाब यूकलिप्टस एक बहुत प्यासा दरख्त है, वो एक मच्योर यूकलिप्टस 150 के करीब लीटर पानी के दिन में प्रोसेस कर लेता है ज़मीन से निकाल के, और कोनो कार्पस की बड़ी और नुकसान आते हैं जहाँ जहाँ कोनो कार्प। कराची में 2005 में मुस्तफ़ा कमाल ने बेवकूफ़ ने ला के ये दरख्त लगाए, 2013 से कराची में हीट वेव आ रही है जबकि वो कोनोकार्पस पूरे जंगल बन गए, उसने वहाँ के देसी दरख्त कटवा के कोनोकार्पस लगाए। मुझे याद है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ अमल ताश से वहाँ अब कोनोकार्पस लगे हुए हैं, वहाँ करोड़ों कोनोकार्पस लग गया है। जितने लोगों से मैंने पूछा है, ये एनेक्डोटल है, इसके ऊपर कभी किसी ने रिसर्च नहीं की, ये एनेक्डोटल बात आपको बता रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि जनाब कोनोकार्पस के नीचे आप गर्मी में बैठ नहीं सकते, सांस घुटता है। तो कोई कुछ बात है, हमारे यहाँ जो कदीम दानिश थी वो ये थी कि पीपल के नीचे बेशक रात को भी सो जाओ और नीम के नीचे, पीपल अवेलेबल रोशनी में भी फोटोसिंथेसिस करता रहता है और वो ऑक्सीजन छोड़ता है रात को भी। हम इन चीज़ों से हट के कोनोकार्पस के ऊपर लगे हुए हैं, तो अब यहाँ आप देख लीजिएगा। और दूसरा कोनोकार्पस के जो एलर्जेंस हैं उनकी, वो पेपर मलबरी जो इस्लामाबाद में आज से 50 साल पहले लगाया गया था उससे अभी हमने सबक हासिल नहीं किया, लोग मर रहे हैं राइनाइटिस से इस्लामाबाद में। अब वो कहते नहीं जी पूरे मुल्क में ऐसा राइनाइटिस होना चाहिए है कि कोई बच ना सके। तो यहाँ आप बिल्कुल भूल जाएं कि कोई काम हो रहा है, यहाँ बोंगियाँ मारी जा रही हैं। सर इसको आइडियलिस्टिक सवाल है लेकिन बेहतर करने का क्या सोल्यूशन किया हमारे पास, क्योंकि कई लोग अब यहाँ भी इस पॉइंट पर कहेंगे ना अच्छा जी वो कहते हैं मुसीबत एक गलत दस्ती सी, करिए की करिए है कि जड़े गलत दरख्त ने वो कट के तुम सही दरख्त लगाओ, लेकिन हम नहीं कर रहे। मोटरवे जो बन रही है मुल्तान टू सखर उसके ऊपर 18,000 कोनोकार्पस लगाए हैं, कोई देसी दरख्त नहीं लगाया। सर हमारी क्या ऑब्सेशन इस दरख्त से, मतलब बड़ी छेती उग जाता है तो तुम तू बड़ी छेती है जहनम पहुंचने दी सरकार यही वो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे कहा हुआ है ओके जी की तुसी गल्लां कर दियो यूकलिप्टस लाओ इनू कोई जानवर डंगर मुंह नहीं मारदा, वो लकड़ होनी चाहिए, लकड़ दरख्त जो है वो लकड़ है, लकड़ होनी चाहिए। ये फॉरेस्ट DFOs और क्या कहते हैं चीफ कॉन्जर्वेटर्स ने मुझे कहा हुआ है कि लकड़ होनी चाहिए। ऐसे लास्टली हम ये पूछना चाहेंगे कि जो लोग ट्रैवल राइटिंग तरफ आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं या क्या आप देना चाहेंगे उनके लिए, मशवरा देना चाहेंगे उनको?
और देखिए अगर तो सीरियसली किसी ने करनी है तो उसे पहले तो पीछे से अमीर होना चाहिए, पीछा पारा होना चाहिए। तो दूसरा ये है कि पढ़ना बहुत पड़ता है, मुश्किल काम इस तरह से है। ये ट्रैवल राइटिंग वैसे आसान तरीन जॉनर है क्योंकि आपको कोई दास्तान घड़नी नहीं पड़ती उर्दू में के अलावा, मतलब अगर आप सही की ट्रैवल राइटिंग करना चाह रहे हैं तो पढ़ना बहुत चाहिए और एक बैकग्राउंड नॉलेज हो तो फिर आप बनने की काविश करें सफ़रनामा निगार। और फिर अगर एक बार आ गए हैं तो फिर जुड़ जाएं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हम लोगों ने, मैंने तो पर्सनली बहुत सीखा है, आई एम श्योर हम लोगों को भी बहुत सीखने का मौका मिला। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।